हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो अगेन बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बॉटनी का यूनिट वन जो हमारा टॉपिक है वो है कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ लेग्यूम। इससे पहले हम लोगों ने सेम चीज़ पढ़ी थी, कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ सीरियल्स। तो सीरियल्स के बारे में जिसको हम लोग अनाज बोलते हैं उसके बारे में हमने पूरा हलवा क्लियर कर लिया है। इससे पहले हम लोगों ने ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स पर भी, मतलब वो टॉपिक भी एकदम हलवा क्लियर है। सेकेंड, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमने आपको पढ़ा दिया है। इन सभी की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अगर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के लिंक पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर जो आप इस यूनिट का नाम है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, अगर आप वो भी सर्च करते हो तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, और चैनल पर न्यू होंगे तो बिना हिचकिचाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है वो अगेन सीरियल से ही मिलता जुलता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें लेग्यूम, तो बहुत सारे बच्चों ने रिकमेंड किया कि दीदी ग्रीन पेन मत यूज़ करिए। ठीक है, तो वो थोड़ा बस अंडरलाइन करने के लिए हम करेंगे। देखिए लेग्यूम मतलब क्या होता है, अगर लेग्यूम आप हमेशा सुनते हो लेग्यूमिनेसी फैमिली, तो आपके दिमाग में आता है दाल, दाल आता है ना। बट एक्चुअली अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है फली। ठीक है, क्या होती है फली। यहाँ पर आपको कोई भी स्क्रीनशॉट या पॉज करने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज इट इज़ आपको जब मैं ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगी इस बोर्ड पे, तो आपको टेलीग्राम पे इसका जो फोटो है, जो स्क्रीनशॉट है, वो हम खुद आपको भेज देंगे। ठीक है, तो उसकी चिंता आप ना करें, उससे आप अपना नोट्स जो है वो बना लीजिएगा। तो लेग्यूम मतलब होता है फली। ठीक है, और कल्टीवेशन मतलब आपको पता ही है, बार बार हमने बताया है कि खेती करना। ठीक है, कल्टीवेशन मतलब क्या, खेती करना। प्रोडक्शन मतलब क्या, उत्पत्ति। ओके, और यूजेज मतलब क्या, उपयोग। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फली, इसी के बारे में हम लोग आज पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो लेग्यूम्स आपको पता चल गया कि इसकी हिंदी क्या है, फली। तो अगर हम लेग्यूम्स क्रॉप बोले तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि फली। क्रॉप मतलब, क्रॉप का हिंदी क्या होता है, फसल। ठीक है, तो फली के जो फसल होते हैं उनको हम क्रॉप बोलते हैं, लेग्यूम्स क्रॉप। वहीं अगर लेग्यूम प्लांट की बात करें तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, फली पौधे। ओके, तो ये थोड़ा सा टर्म आपको हमको क्लियर करना था कि लेग्यूम क्या है, लेग्यूम क्रॉप क्या है और लेग्यूम प्लांट क्या है। अच्छा, सामने मिरर है तो हमें दिख रहा है कि हम कहीं कहीं जो है वो पीछे चले जा रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे, तो उसकी चिंता आप मत करिएगा, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको इस लेग्यूम टर्म से मिलता जुलता तीन टर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो तीन टर्म क्या है, सबसे पहला है लेग्यूम। आपको पता चल गया कि लेग्यूम मतलब भाई फली होता है, फली के पौधे जो होते हैं, जो भी आप दाल वगैरह खाते हो वो सब कुछ इसी में आता है। ठीक है, उसके बाद आप पल्सेस सुने होंगे। ओके, एंड पल्सेस के बाद आपने लेंटिल सुना होगा, सुना है ना, ये तीन टर्म आपने सुने होंगे। तीनों ही आपको सेम लगते होंगे कि अच्छा ये जो तीनों ही हैं इनके मतलब क्या हो गए, दाल वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम लेग्यूम्स की बात करें तो ये क्या है, ये पल्सेस प्लस लेंटिल्स, इन दोनों को कवर करेंगे। और एक्चुअली में लेग्यूम क्या है, सभी के सभी पौधे। ठीक है, जितने भी प्लांट हैं, जो भी प्लांट्स हैं विच बिलोंग्स टू फैमिली। ठीक है, विच बिलोंग्स टू फैमिली, किस फैमिली की बात करेंगे हम लोग, लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो जो भी पौधे जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करेंगे उन सभी को हम बोलेंगे लेग्यूम्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, लेग्यूम्स। तो जो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करेगा पौधा उसे हम बोलेंगे लेग्यूम्स। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस लेग्यूम की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें हम एक पौधे के स्टेम, उसकी लीफ, उसकी रूट, उसके अंदर जो बड्स हैं, इन सभी की बात करेंगे। तो इसका मतलब कि ये इंक्लूड करता है पूरा का पूरा ओवरऑल प्लांट बॉडी। ठीक है, क्या, ओवरऑल प्लांट बॉडी। तो लेग्यूम्स क्या है, एक पूरी प्लांट बॉडी की हम बात करेंगे, जिसमें स्टेम आ जाएगा, ठीक है, रूट आ जाएगा, लीव्स आ जाएंगे, प्लस जो भी बर्ड्स वगैरह हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ।
अगर हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस जो हैं वो एडिबल एडिबल लेग्यूम, ठीक है, जो कि एडिबल पार्ट होगा इस प्लांट का, उसको हम बोलेंगे क्या, पल्सेस। तो पल्सेस क्या है हमारे, दे आर द एडिबल पार्ट, ओके, दे आर द एडिबल पार्ट ऑफ लेग्यूम्स, ओके। तो जो भी हम लेग्यूम्स के जो भी पार्ट हम खाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, उसे हम पल्सेस बोल देंगे। यहाँ अगर हम बात करें तो हम सीड्स खाते हैं भाई, तो लेग्यूम का जो सीड वाला पार्ट हो गया वो भाई पल्सेस हो गया, ठीक है। अब पल्सेस लेंटिल्स कंटेन करता है, मतलब लेंटिल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, वो पल्सेस में आ जाएगा। तो लेंटिल्स क्या होते हैं भाई, वॉट आर लेंटिल्स, दे आर वॉट, दे आर पल्सेस जो कि पकने के बाद हम खाएं, जो कि हम पकने के बाद खाएं, जैसे कि बीन हो गया, ओके, जैसे कि आपका पी हो गए, ओके। तो दीज बीन पी ये सब क्या हो गए, लेंटिल्स हो गए। तो ये कुछ डिफरेंस था कि लेग्यूम्स इज द होल पार्ट, पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी है वो लेग्यूम कहलाएगा। उस प्लांट बॉडी में से जो खाने वाला पार्ट होगा वो आपके पल्सेस कहलाएंगे, ठीक है। उसमें भी अगर हम पका के खा रहे हैं तो जो दाल वगैरह है वो आपकी बीन्स पी, ये जो चीज़ें हैं वो हम लेंटिल्स कहेंगे। एम आई क्लियर, ये जितना हमने अभी तक आपको पढ़ाया क्या ये आपको समझ में आ गया। आप देखिए लेंटिल्स को एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेग्यूम्स जो है वो पल्सेस एंड लेंटिल्स कवर करेगा, पल्सेस लेंटिल्स कवर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये तीन टर्म थे जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, दैट्स व्हाई हमने सोचा कि ये हम आपको बता दें, ओके। सो बेसिकली अगर अभी हम लेग्यूम्स की बस बात करेंगे तो लेग्यूम्स क्या है, सबसे पहले आपको समझ में आया कि ये एक ब्रॉड टर्म है, क्या है ये ब्रॉड टर्म है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब अभी तक सुनाई दी। क्या क्या हैं वो टर्म्स, पहला तो भाई पल्सेस ही हो गए, फिर आपके लेंटिल्स हो गए, फिर बीन एंड पीस। तो ये सभी क्या है, ये सभी के सभी लेग्यूम्स के अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड टर्म है, ओके। अगर हम इसके फैमिली की बात करें, लेग्यूम्स के अगर हम फैमिली की बात करें कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो जितने भी लेग्यूम के प्लांट होंगे वो सभी लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, या फिर जिसे हम फिबेसी फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम फिबेसी फैमिली भी बोलते हैं, ओके। ये हो गई फैमिली की बात। सेकंड अगर हम बात करें कि ये जो हमारा लेग्यूम है वो किस में रिच होता है, मतलब किस में रिच है भाई, रिच इन किस चीज़ में अमीर है ये, हम किस चीज़ में अमीर है, हम किसी चीज़ में अभी अमीर नहीं है, लेग्यूम्स लेकिन अमीर है, किस चीज़ में अमीर है, प्रोटीन में, ठीक है। ये प्रोटीन जो है डाइट्री सोर्स, इसको मतलब जो इसका डाइट्री सोर्स है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना है, ओके, डाइट्री सोर्स है, अगर बहुत ज़्यादा किसी को प्रोटीन लेना है तो दे कैन कंज्यूम लॉट्स ऑफ लेग्यूम्स, जो भी पॉड वगैरह हैं वो खाएं, उनको काफ़ी सारा प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि क्या क्या आता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, ओके, लेग्यूम्स की अगर हम बात करें तो हमने अभी आपको बताया कि ये प्लांट बॉडी है, क्या है ये प्लांट बॉडी है जिसमें आप एक्चुअली में स्टेम देखते हो, लीफ वगैरह देखते हो और पॉड्स देखते हो, ठीक है। तो जनरली आप स्टेम और जो पॉड है उसको देखोगे, यहाँ पर आप बर्ड के जगह पे एक्चुअली पॉड कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉड्स पाए जाते हैं, ओके। तो ये कुछ था लेग्यूम्स प्लांट्स के लिए। अगर और हम बात करें तो इसका एक इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे लेग्यूम्स का, क्या है ये कि जो हमारे लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये लेग्यूम्स का प्लांट है, दीज आर द लीफ, ओके, दीज आर द लीफ। अगर हम इनकी रूट देखेंगे, ठीक है, अगर हम
इनकी रूट देखेंगे तो इनके रूट में पाए जाएंगे व्हाट, इनके रूट में पाए जाएंगे राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये शो करते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा रूट नोड्यूल्स, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा रूट नोड्यूल्स। वेट, टेढ़ा हो रहा है ये, वेट, यहाँ पे देखने को मिलेगा रूट नोड्यूल्स। तो एक्चुअली में ये रूट नोड्यूल्स जो है यहाँ पर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। और जो हमारा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है वो एक्चुअली में जब दो मतलब तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और एक दूसरे की नीड पूरी करते हैं तो उसे हम, उस रिलेशन को हम सिम्बियोटिक बोलते हैं। और आपको पता होगा कि सिम्बियोसिस जो है वो एक तरीका म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है, उसमें भी अगर हम बात करें तो ऑब्लिगेट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर इसका क्या हुआ कि दे फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, वॉट दे फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो है राइजोबियम, ठीक है। तो राइजोबियम के साथ ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं, क्यों बनाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ, क्योंकि इनको नाइट्रोजन फिक्स करना होता है, जो नाइट्रोजन साइकिल होती है उसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। किसके साथ बनाते हैं ये, तो विथ ऑर्गन, विथ अ ऑर्गन जो कि हमारे लेग्यूम्स प्लांट का ऑर्गन है, क्या, रूट नोड्यूल, ठीक है। इसको दूसरे कलर से लिख दें, रूट नोड्यूल्स। तो आपको समझ में आया, इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि ये जो है सिम्बियोटिक रिलेशन बनाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम है उसके साथ, किस ऑर्गन में, रूट नोड्यूल्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर इन्होंने रूट नोड्यूल्स के साथ मिल करके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाया है तो दे विल हेल्प इन वॉट, दे विल हेल्प इन नाइट्रोजन साइकिल, जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन साइकिल होता है उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दीज प्लांट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो इन्वायरमेंट के लिए हमारे फूड का सोर्स तो है ही, जो हम लेग्यूम्स हैं दे आर द फूड सोर्स फॉर मैन, ठीक है। ये लाइन भी आप जोड़ सकते हो कि दे आर द फूड सोर्स फॉर ह्यूमन। तो फूड सोर्स के साथ साथ ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट फीचर। उसके बाद अगर हम इनके यूजेस की बात करें कि यूजेस क्या है, तो देखिए अगर हम यूजेस की बात करें कि लेग्यूमिनेसी जो हमारे लेग्यूम्स हैं, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, व्हाई दे आर यूजफुल, तो पहला तो हमने बताया बिकॉज दे फिक्सेस नाइट्रोजन, ठीक है, फिक्सेस नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन साइकिल, ओके, थ्रू नाइट्रोजन साइकिल। तो जो भी हमारे लेग्यूमिनेसी के क्रॉप होंगे, प्लांट होंगे, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, ये हो गया आपका। फिर सेकेंड ये है कि दे विल हेल्प इन क्रॉप रोटेशन, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये ड्यूरिंग क्रॉप रोटेशन, हेल्पफुल इन क्रॉप रोटेशन। अब अगर नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो एक न्यूट्रिएंट है हमारे प्लांट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ही मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होता है हमारे प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन मतलब सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, ओके। फिर हमारा थर्ड क्या है, तो थर्ड देखिए, दे आर हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग सॉयल स्ट्रक्चर। एज आई सेड कि सॉयल की फर्टिलिटी, सॉयल का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करने के लिए भी
ये जो प्लांट्स होते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। तो सब कुछ आप, अगर नाइट्रोजन की बात हो रही है तो दे आर द मोस्टेस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, सेकेंड अगर नाइट्रोजन से रिलेटेड चीज़ें हैं भाई तो जो प्लांट है उनकी नाइट्रोजन की पूर्ति तो पूरे तरह से हो जा रही है, जो कि अल्टीमेटली उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। थर्ड ये कि क्रॉप रोटेशन में हेल्प करेंगे, सॉयल फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, और सॉयल फर्टिलिटी की बात हुई तो एक्चुअली सॉयल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इवेंचुअली वो चीज़ भी पूरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ह्यूमन, जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि ह्यूमन के लिए एज अ फूड सोर्स काम आएंगे, प्लस अगर हम बात करें हमारे एनिमल्स की तो उनके लिए भी ये एज अ फूड सोर्स काम आते हैं। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू लेग्यूम्स, एंड आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट करो, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो फिर रहने दो, क्योंकि ये चीज़ हम आपको भेजेंगे। वैसे हम साइड हो जा रहे हैं, आप देख लो, आपको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे, ओके ओके ओके, लेट मी राइट द एग्जाम्पल ऑल्सो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ तरीके के दाल आप देखते हो जो कि आप मैक्सिमम खाते रहते हो, जैसे आपका चिकन पी हो गया, ठीक है, अभी वैसे हम बात करेंगे इसकी, चिकन पी हो गया, ग्राम पी हो गया, ओके, फिर आप गोल्डन पी देखते हो, दीज आर ऑल द वेराइटीज़ ऑफ पी, तो अभी हम इसकी बात करेंगे, बट ये एक शॉर्ट नोट, क्रिस्पी नोट्स आपके लिए तैयार है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ओके। तो ये पूरा का पूरा एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी हमने लिख दिया है जो कि हमने तैयार किया था, ओके। और यही सेम चीज़ मेरे नोट्स में भी आपको मिलेंगी, तो इसी वजह से हम यही चीज़ आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। आज थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, इस वजह से मैं डल हूँ थोड़ा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं वो पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ करके जरूर जाना, और अभी समझ रहे हो तो अच्छे से समझना, ठीक। बहुत टाइम लगता है एक एक करके लिखने के लिए, डेट्स वाई आई थॉट कि क्यों ना इसको अच्छे से यहीं पर लिख दिया जाए, फिर आपसे बात की जाए, ठीक है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि पल्सेस, तो पल्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया, वॉट इज पल्सेस, ठीक है। लेग्यूमिनेसी जो प्लांट होते हैं, जो लेग्यूम्स होते हैं उनका जो एडिबल, अच्छा दिख ही नहीं रही हूँ मैं, ठीक है, लेग्यूम्स जो होते हैं, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट होते हैं उनमें जो लेग्यूम्स होते हैं उनका एडिबल पार्ट जो होता है वो पल्स कहलाता है, ठीक है। आप देखिए, नहीं दिख रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, पल्स के एग्जाम्पल देख लो, पिजन पी, जिसको कि हम हिंदी में अरहर कहते हैं, जैसे आपकी मम्मी बोलती होंगी जाओ अरहर का दाल लेकर के आओ 1 किलो 2 किलो, या मेरे घर खेती होती है तो इतने अरहर, इतने कुंटल अरहर मेरे घर पे हो जाते हैं, ये बात हम करते हैं, तो अरहर को हम पिजन पी बोलते हैं। इसका पिजन से कोई लेना देना नहीं है, हाँ जनरली पिजन खाते हैं, इसको पसंद करते हैं, तो इसका नाम पिजन पी रख दिया है, ठीक है। फिर चिक पी, इसको हम चना बोलते हैं हिंदी में, ओके। फील्ड पी, जिसको कि हम मटर बोलते हैं, जनरली हम मटर आप देखते होंगे जिसको छिम्मी टाइप भी बोला जाता है, ग्रीन कलर के जो कि अंदर सीड्स होते हैं उसका आप खाते हो, और बहुत सारी रेसिपीज उसकी बनती हैं। चलो कमेंट में बताओ कि मटर की तुमको कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है, चलो ये बताओ, ठीक है। अब देखो, ग्रीन ग्राम को मूंग बोलते हैं, मूंग दाल नमकीन आप खाते हो, ठीक है। ब्लैक ग्राम आप उड़द बोलते हो, लेंटिल्स जो कि मसूर की दाल कहलाती है, फ्रेंच बीन लोबिया जिसको कहते हैं, काउपी जिसको छोला बोलते हैं, और एकोनाइट बीन जिसको कि हम मौत बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द हिंदी नेम ऑफ पल्सेस दैट वी आर रिटन हियर, ओके। आप सभी के बॉटेनिकल नेम की बात करें तो कैजनस कैजन जो है वो पिजन पी का इंपॉर्टेंट है, देखो ये तीन जो है, दीज थ्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इनका ही आपको जितनी चीज़ें हैं उतनी याद करनी है, अदरवाइज बस ये नेम याद रखने कि दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस, ठीक है। पिजन की पी जो है उसका बॉटेनिकल नेम है कैजनस कैजन, चिकन पी का है सीसेर एरेंटिनम, और फील्ड पी का है पाइसम सेटाइवम, जो कि आपको पता है बहुत ज़्यादा यूज होता है किसी एक, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने पाइसम सेटाइवम पे अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। चलो कमेंट में बताओ, दिस इज योर होमवर्क कि आपको साइंटिस्ट का नेम बताना है, ओके, यू हैव टू एंड यू शुड टेल द साइंटिस्ट नेम जिन्होंने पाइसम सेटाइवम पे अपना पूरा का पूरा काम किया था, ठीक है, तो उनका नाम बताओ। और फिर ग्रीन ग्राम मूंग की बात करें तो विग्ना रेडियाटा, उड़द की बात करें तो विग्ना मूंगो, ठीक है, अब यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना, मूंग से मूंगो अलग अलग है।
मसूर की बात करें तो लेंस क्यूलैरिस, अच्छा जो लेंटिल्स होते हैं ये लेंस शेप के दिखाई देते हैं, ठीक है, लेट मी टेक द मार्कर। देखिए जो लेंटिल्स होते हैं इनका शेप कैसा होता है, दे आर लाइक द लेंस शेप, ठीक है, लेंस शेप के दिखाई देते हैं, इसी वजह से इनका नाम लेंटिल्स रखा गया है। और इनका बॉटनिकल नेम भी लेंस क्यूलैरिस है, क्यूलैरिस, ओके। फ्रेंच बीन जो है फैसिओलस वल्गैरिस, ओके, काउपी विग्ना यूनिक्यूलाटा और एकोनिट बीन विग्ना एकोनिटिफोलिया, ठीक है, दीज आर द बॉटनिकल नेम। और जैसा कि हमने आपको बोला कि यही तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इन्हीं का हम प्रोडक्शन और कल्टीवेशन भी देखेंगे। फैमिली की बात करें तो अभी बताया कि जितने भी लेग्यूमिनेसी फिबेसी आप बोल सकते हो फिबेसी प्लांट होंगे उन्हीं को हम लेग्यूम्स पल्सिस बोलेंगे। तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, इन सभी प्लांट्स इन सभी क्रॉप की फैमिली क्या होगी, लेग्यूमिनेसी, या फिर आप इसी को फिबेसी बोल दो। ये नहीं कि आपके ऑप्शन में लेग्यूमिनेसी की जगह फिबेसी दिया है तो तुम छोड़ के ही क्वेश्चन चले आए और बोले दीदी ने तो बताया ही नहीं था। नहीं, दीदी ने बताया था कि लेग्यूमिनेसी को ही फिबेसी बोलते हैं, तो ये चीज़ आप गलती करके नहीं आओगे, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारा अरहर है उसका प्रोडक्शन अफ्रीका में भी देखा जाता है, अमेरिका में भी देखा जाता है और इंडिया में भी। इंडिया में आप यूपी उत्तर प्रदेश जो है इन तीनों का ही याद करो, अरहर चना और मटर, इनका आप देखते हो कि यूपी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नॉट मैं एकदम एक्सट्रीम बोल रही हूँ, लेकिन हाँ आप यूपी एज अपने एक होता है ना कि वाइवा में पूछ दिया जाए या फिर लिख दे कहीं या कोई क्वेश्चन आ जाए तो अगर वहाँ यूपी होता है तो यू कैन टेक द, वैसे अगर आपको ये देखना है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है तो यू कैन गूगल, ओके। तो अगर हम बात करें हमारे अरहर और चना की तो सेम चीज़ है अफ्रीका अमेरिका इंडिया, इंडिया में यूपी, ठीक है। फिर सेम अफ्रीका अमेरिका एंड इंडिया, इंडिया में यूपी जो है चना के लिए भी याद करना है। थर्ड जो हमारा मटर है उसके लिए आपको नॉर्थ यूरोप याद करना है, रसिया चाइना एंड इंडिया में फिर अगेन यूपी, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। कल्टीवेशन की बात करें तो देखिए हमारा जो अरहर है उसकी सोविंग टाइम, मतलब कि सोविंग मतलब क्या होता है कि लगाना, प्लांट को लगाना, क्रॉप को लगाना, जो उसकी टाइमिंग है वो जून जुलाई की है। जून से जुलाई के बीच में सभी के सभी जो कल्टीवेशन की प्रोसेस होती है, जो खेती करने की प्रोसेस होती है, लगाने की प्लांट प्रोसेस होती है, वो जून जुलाई में हो जाती है अरहर की। और उसे काटने का जो काम होता है, हार्वेस्ट करने का जो काम होता है, वो जनवरी से मार्च के टाइम पे हो जाता है, ठीक है। अगेन हम बात करें चना की तो चना का जो सोविंग टाइम है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आएगा और हार्वेस्ट जिसको फरवरी से मार्च में किया जाएगा। टेल मी कि अगर ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ रहा है तो क्या ये राबी क्रॉप है या फिर खारिफ क्रॉप है। तो हमने आपको कल भी पढ़ाया था कि राम खास रहा है, राम सुबह से खास रहा है, तो उसमें खारिफ जो है वो समर से रिलेटेड है। तो जो भी पौधे गर्मियों के टाइम पे सोविंग उसकी सोविंग की जाती है, उसको लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, खारिफ क्रॉप बोलते हैं। और जो ठंडी के टाइम पे लगाया जाता है उसे हम राबी क्रॉप बोलते हैं। जो हमारा चना है वो एक्चुअली में क्या है, वो है राबी क्रॉप, ठीक है, ये क्या है, राबी क्रॉप है। अगर उसके बाद हम जून जुलाई की बात करें तो यू कैन से कि दिस इज खारिफ क्रॉप, ठीक है, दिस इज अरहर। और अगर हम फील्ड पी जो कि मटर है उसकी बात करें तो यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मटर जो है वो प्लेन एरिया, जो हमारे प्लेन एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर विंटर क्रॉप इसको माना जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वहाँ पर उसको विंटर क्रॉप माना जाता है और हील्स के तरफ ठंडी जगहों पे उसे समर क्रॉप माना जाता है। तो ये थोड़ा सा लोचा है बट अच्छा है, फन फैक्ट है। तो आप याद कर सकते हो कि प्लेन्स एरिया जो है वहाँ पर विंटर क्रॉप एंड जो हिल्स एरिया है वहाँ पर इसे समर क्रॉप माना जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी लेग्यूम्स। कैन यू टेल मी कि आपको ये चीज़ समझ में आई, येस यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स। तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि क्या आपको ये सभी कुछ समझ में आया, ठीक है। ये हमने पूरी बात कर ली और सेम एज इट इज़ आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे। सो नोट्स के लिए बार बार आप लोग पूछ रहे हो कि नोट्स के लिए कहाँ पर जाएं, तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है। ये हो गया टेलीग्राम, यहाँ जाके ज्वाइन कर लो, आपको एज इट इज़ ये सब कुछ मिल जाएगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा जो यूनिट वन है वो एक्चुअली में ख़त्म हो गया, जो हमारा ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स है।
ये यूनिट वन हमारा खत्म। नाउ यू टेल मी कि आपको जूलॉजी पढ़ना है या फिर अगेन हम यूनिट टू की बात करें। ठीक है, जो बच्चे न्यू हैं उनको हम बता दें कि यहाँ पर एथनोबॉटनी जो है यूनिट आपका, आई थिंक वेट मेरे सामने ही सिलेबस लगा हुआ है, फोर्थ यूनिट है एथनोबॉटनी, तो वो कम्प्लीट हो चुका है। यूनिट वन इज ऑल्सो कम्प्लीट। तो अगर आपको यूनिट टू पढ़ना है तो वो भी कॉमेंट कर दीजिए। और अगर आपको जूलॉजी में, देखिए जूलॉजी में भी बायोस्टैटिक्स वन एंड टू मैक्सिमम टॉपिक्स वहाँ के हमने कवर कर दिए हैं और उसकी लिंक भी आपको दी हुई है, जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी की प्लेलिस्ट की लिंक है वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जो जीन मैनिपुलेशन है अगर आपको वो सबसे पहले पढ़ना है तो वो भी बता दीजिए, जो आप बोलोगे वो सबसे पढ़ा दिया जाएगा सबसे पहले। और आज क्योंकि डिसाइड यही हुआ था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्लास मिलेगी, बट क्योंकि हमने सोचा एक हफ्ते में इसको खत्म करें तो आज फ्राइडे होकर के भी हमने ये क्लास दे दी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वीक है, सो लेट मी सी कि नेक्स्ट वीक में आपको बॉटनी पढ़ाएं या फिर जूलॉजी पढ़ाएं। ठीक है, सो फर्स्ट यूनिट आपका खत्म हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। और हाँ, शेयर नहीं करते हो तो शेयर प्लीज करो अपने जूनियर्स के पास, उनको बताओ, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। ठीक है, बाय बाय।